नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यूपी एनएचएम पर बहुत ही शानदार अपडेट आ गया है और वो सभी के लिए है। दोस्तों, यूपी एनएचएम की जितनी भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको बताते आए हैं और आगे भी बताते रहेंगे। इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल जानकारी है दोस्तों। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है। यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते ही आपके सामने सारे इंस्ट्रक्शन, सारे नोटिफिकेशन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही खुल के आएंगे साथियों, तो आपको सिंपली क्या सर्च करना है दोस्तों, इस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग के लिए थे। वेटिंग वाले अपडेट भी आ गई यहाँ पे, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये वेटिंग लिस्ट के लिए है अपडेट। इसमें क्या क्या है, इसमें है दोस्तों जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट्स थे, UPNHM वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स थे, STLS वाले, ठीक है। तो उनके लिए क्या है यहाँ पे देखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शेड्यूल फॉर वेट लिस्टेड कैंडिडेट। जो वेटिंग वाले कैंडिडेट थे उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है ये, ठीक है। कब से कब तक है और कितना टाइम को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। कैंडिडेट एट SPMU NHM UP फॉर STLS पोजिशंस, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है और टाइमिंग दे रखा है यहाँ पे। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो भी LT वाले कैंडिडेट्स हैं तो ध्यान दीजिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं पड़ता है दोस्तों। अब देखिए, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वो महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर DVP प्रोसेस फॉर LT STLS पोजिशन, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों, अच्छे तरीके से देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन हैं और आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है क्या क्या प्रोसेस है आप सबके जो है देखने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको कैसे इनको जो है पता करना है, ठीक है। तो सीरियल वाइज यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, ताकि आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपको निकाला जा सके, ठीक है। दोस्तों, ये जानकारी होगी। नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों, सारी जानकारी है, ये सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो लिस्ट आई थी उसके बारे में पहले से आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट जो अपडेट आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे, डियर साथियों, जो इंतज़ार है स्टूडेंट्सों को, तो 17,000 वैकेंसी का इंतज़ार है। जैसे ही आएगी दोस्तों, जल्दी ही आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी YouTube के द्वारा, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आएगा रिजल्ट तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपडेट होगा, जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।